बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? वेल जनाब, ये जो भी नया लोग सोच रहे हैं तुर्की आने के लिए, उन सब के लिए इंतहाई अहम व्लॉग रहेगा। थोड़ा सा चीज़ें स्लो चल रही थी आज से साल पहले, 6 माह पहले, लेकिन करंटली राइट नाउ पिछले अगर हम जस्ट 2 माह से 3 माह की बात करें, ऑलमोस्ट 30% महंगाई हुई है ओवरऑल टर्की में। अगर हम स्पेशली सिर्फ इस्तांबुल सिटी की बात करें, रफली जो लाइफ आप गुजार रहे थे आज से 4 माह 5 माह पहले, हम लोग यहाँ पे 3,000 लिरा से 5,000 लिरा के दरमियान, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसपे कुछ लोगों ने एग्री भी किया और बीच में एक दो लोग जो बेचारे 5-6 माह पहले आए थे, उन्होंने बड़ी अपने वालों फ़नी वीडियोज़ भी बनाई हैं। लेकिन अभी करंटली जो सिचुएशन है, इट्स लिटिल बिट चेंज। अगर आप अपना प्लान करके आ रहे हैं, एक चीज़ तो मैं हर बार कहता हूँ, जॉब के अगर आप टारगेट करके आ रहे हैं तो ये तुर्की उनके लिए नहीं है। आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने कारोबार शुरू करना है, आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तुर्की इज़ परफेक्ट प्लेस। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना घर बेच के, सोना बेच के, गाड़ी बेच के, जॉब छोड़ के, मतलब इस तरह की कुछ स्टूपिड हरकतें करके अगर आप यहाँ पे आते हो, आपके पास रिजर्व नहीं है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, आपकी बहुत हाईली क्वालिफाइड आप नहीं हो, मोर और यहाँ आके आपने लैंग्वेज नहीं सीखनी, आप कामयाब नहीं होंगे। जो लाइफ हम 4,000 से 5,000 में गुजारते थे यहाँ पर आज से एग्जैक्टली 4-5 माह पहले, अभी वो ऑलमोस्ट उसमें 30% ऐड हो गया। किराए 1,000-1,500 लिरा से उठे, 2,500-3,000 पे चले गए हैं। अच्छी चीज़ें जो हैं वो अच्छे अपार्टमेंट्स आपको 2,500-4,000 के दरमियान मिल रहे हैं। उसके ऊपर भी एक नया ये जो ड्रामा किया हमारे लोगों ने एयरपोर्ट पे आके, आपको जो पहले बता दिया भाई कि आप यहाँ पे करेंगे क्वारंटाइन में, वो उस चीज़ का इतना बैड इफेक्ट हुआ है कि बहुत से लोग इन 2 हफ्तों की हमारी कारनामों की वजह से पाकिस्तानियों को, यहाँ युमानजी लफ्ज़ जो है ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रह गया, इनको किराए पे घर देने को तैयार नहीं है, या साल का किराया मांग रहे हैं, 6 माह का किराया मांग रहे हैं, 3 माह के किराए के साथ 3 माह का डिपॉजिट मांग रहे हैं। मोर ओवर जो डीलर हैं वो घर देते हुए कहते हैं जी मैं कमीशन आपसे डबल लूंगा या 12% लूंगा साल का बना के। बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए हैं इन लास्ट 3-4 मंथ्स। सो जिनके पास तो अच्छे रिजर्व्स हैं, हम बात को थोड़ा मुख्तसर करें, अगर जिनके पास तो अच्छे रिजर्व्स हैं, आने वाले दिनों की अच्छी प्लानिंग है, कुछ सोच समझ के आ रहे हैं, जो मैंने पहले बात की स्किल्ड पर्सन हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, 4 पैसे अपने पास हैं, तो उनके लिए तो तुर्की बहुत लाइक इट्स लाइक हेवन। लेकिन अगर वो आप अपनी जॉब छोड़ के और सिर्फ लोगों को देख के कि जी हर बंदा टीआरसी ले रहा है, टीआरपी ले रहा है, और जी अर्तुगरुल चल रहा है अभी तक, वो दिमागों से वो माइंडसेट खत्म करें, अर्तुगरुल से बाहर आ जाएं, एक ट्रेंड नहीं बना लिया करो आप पाकिस्तान में सारे लोग कि बस ये हो रहा है तो यही करेंगे। आपकी रूटीन लाइफ अब 3,000 रुपये में नहीं रहती है, खाली आपके किराए ही 2,000-2,500 रुपये चले गए हैं, आपके जो बिल्स हैं, आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 15% बढ़े हैं, लिविंग एक्सपेंस आपके 3,000 से उठ के 5,000 रुपये आ गए हैं अगर आपने किराए के घर में रहना है यहाँ आके। अगर आप आके प्रॉपर्टी खरीद लोगे ऑब्वियसली देन यू विल बी इन लाइक विन विन सिचुएशन, कि आपके पास प्रॉपर्टी है, भले वो आपने $50,000 से $30,000 में ली हुई है, भले आपने $2 लाख की आके नेशनलिटी ले ली, घर अगर आपका अपना है उस सूरत में आपके लिविंग एक्सपेंसेस दैट विल टच 2,000 to 3,000 लिरा, पाकिस्तानी 40,000 से 50,000 लिरा मिनिमम आपके लिविंग एक्सपेंस होंगे अगर घर आपका अपना है। और अगर आप रेंट का घर लेके जाएंगे, इन दैट केस डिपेंड ऑन योर लिविंग स्टाइल और आपकी जो जॉब है, आपके जो लिविंग एक्सपेंस हैं किराए के घर के साथ, अब वो 5,000 से 7,000 लिरा पे चले जाएंगे। ये मैं एक एवरेज लाइफ की बात, मैं एक लाइन खींच दूँ, अगर एवरेज और बिलो एवरेज लाइफस्टाइल जो है वो 4,000 से 6,000 लिरा पे चला गया है, इतनी यहाँ पे आपकी इनकम नहीं होगी आने पे। ये चीज़ जहन में रखें जब आप शुरू में यहाँ आएंगे तुर्की, शुरू में आपको कोई भी 5,000, 4,000, 6,000 की नौकरियाँ नहीं देगा, आपको 2,500 लिरा से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले 6-8 महीने आपको अपने पल्ले से खाना पड़ेगा, किराए वराए सब आप भरेंगे, और आफ्टर दैट आपको पता लगेगा 6-8 माह गुजारने के बाद कि यार क्या आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं या नहीं। मैं मशवरा ये देता हूँ सबको हमेशा से कि जब भी आप तुर्की आएँ, जहाँ इतना खर्चा कर रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो, कुछ भी करके आप पैसे लगा के आ रहे हो, चाहे वो कारोबार से कमाए हुए हैं, चाहे आपने वो ये जो रेंट आपको आ रहा है, व्हाटएवर जो भी आपका सिलसिला है पैसे कमाने का, जिस तरह भी आप लेके आ रहे हो अपने सोर्सेज, अपना एक ना पेज के ऊपर ये लिख लें, इस चीज़ को ना एक सादे पेज के ऊपर अपना पहले प्लान बना लें आज ही दिन, ये लिख लें सब लोग जो भी नए आ रहे हैं, इवन जो आ चुके हैं वो भी आज के दिन से सीख लें ये बात। 6 माह का अपना एक चार्ट बनाएं, लैंग्वेज सीखें,
रफली कुछ पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपए आपका खर्चा जाएगा। लेकिन जब आप लैंग्वेज और उन 4 6 माह में 8 माह में आप घूमें फिरें, लोगों से मिलें, कारोबार का देखें, जरूरी नहीं है कि आपने नौकरी करनी है, लैंग्वेज सीखें, सेटल करें अपने आप को उस एक बजट के अंदर ले आए कि ठीक है यार इससे ज्यादा आपने नहीं खर्चना, और फिर आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी और ज्यादा कोशिश करें कि आप कारोबार देखें। कोई 10,000 लिरा से भी कारोबार शुरू किया जा सकता है यार, फेसबुक पेज के ऊपर जाके, इंस्टाग्राम पे जाके। लाइक जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आगे एजेंटियां शुरू कर दें और अपने पीछे से आने वाले दोस्तों को यारों को लूटना शुरू करें। एक अच्छा कारोबार सेटअप आप कर सकते हो यहाँ से। लाइक हंड्रेड ऑफ आइडियाज हैं यार जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं बैठ के, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जाके आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। रिसेंटली एक दोस्त, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, बड़े अच्छे दोस्त मेरे हैं, वो एशियन साइड पर शिफ्ट हो गए थे यार, इतना काम है। लेकिन वही बात आप वाली कि जी जुबान आती हो तो यहाँ 3,000 3,500 नौकरी मिल जाती है, यूरोपियन साइड पर उस तरह से नहीं है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज आती होगी तो आप 4,000 को क्रॉस करेंगे, अदरवाइज आप नीचे नीचे खेलते रहते हैं। लैंग्वेज इज द की। इस बैरियर को आप क्रॉस करेंगे तो आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं, इस बैरियर को आप क्रॉस करेंगे तो आप अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं, इस बैरियर को आप क्रॉस करेंगे तो आप अपने लिए आसानियां यहाँ पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे लोग नाराज होंगे, 400 से ज्यादा फैमिलीज को मैंने कैटर किया है, एंटरटेन किया है लाइक पिछले 1 साल के अंदर। इन 400 फैमिलीज में से गिनती के 15-20 फैमिलीज हैं जो कारोबार कर रही हैं या सेटल हैं, बाकी सब वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ वो आज से 1 साल पहले है या 8 माह 9 माह पहले आए थे। वो आज भी या तो पीछे से पैसे ला रहे हैं अपने, या मांग रहे हैं, या वट एवर, अपना इनकम स्टेटमेंट वो जो है ना स्टार्ट नहीं कर सके। लाइफस्टाइल जो 3 माह 3 4 महीने पहले था तुर्की में, वो आज नहीं है, और आने वाले दिन मजीद टफ होंगे। सो यहाँ आने से पहले अपने लिए, मेरी बातें कड़वी भरी लगती हैं लोगों, मुझे अक्सर लोगों ने कहा जी बड़ा गुस्सा करता है बंदा, बाबा मेरा तो कोई फायदा नहीं है, पैसे आपने अपने खर्चने हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, चले मैं अपने शूज में रहते हुए एक बात करता हूं कि मैं जो आज से ज्यादा पीछे नहीं जाते, चले मैं जनवरी में जो अपना लाइफस्टाइल था मेरा मेरी फैमिली का, अगर हम 3,000 लिरा में गुजारा कर रहे थे, घर को घर का रेंट और वो निकाल दे, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, अब घर मेरा अपना है या किराए का, इसको मैं निकाल दूँ बीच में से, 3,000 लिरा बहुत बेहतरीन था। 2,500 से 3,000 लिरा किराया, ट्रैवलिंग, खाना पीना, होटलिंग, शॉपिंग सब मिला के। इसमें मैं अपने वो पैसे भी डाल रहा हूँ जो मैं यहाँ मेरे ऑफिस एक्सपेंसिस होते हैं, बिकॉज बहुत सारे दोस्त आते हैं मेरे पास, जो लोग आए हैं जानते हैं, हम मुसलमानों की पहचान है मेहमान नवाजी, तो वो सब जानते हैं मेरा जो खर्चा है। लेकिन अभी अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो मेरे एक्सपेंसेस 6,000 7,000 लिरा से ऊपर चले गए हैं। आम बंदे की रूटीन लाइफ 5,000 से 7,000 लिरा पे है अगर आप किराए के घर में रहेंगे। ये सोच के आए कि 7 माह का 7 से 8 महीने का आप अपना पैटर्न लेके आए, डे वन से अपना लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। कार्ड 1 महीने 1.5 महीने में बनता है, अक्सर लोग ये बेवकूफी करते हैं जी कार्ड बनेगा तो देखेंगे, अबे यार कार्ड जमा कर दिया आपने, वो आपका काम नहीं है, अभी 20 दिन घर बैठे रहने से या घूमने फिरने से बेहतर है लैंग्वेज स्टार्ट करो। 2 से 3 घंटे की डेली क्लास होगी, बाकी पूरा दिन है घूमे फिरे, लोगों से मिले, अपने लिंक्स बनाए, ताल्लुकात बनाए, एंड देखें कि क्या कारोबार आप कर सकते हो। तुर्की में चाहे आप गारमेंट्स, केमिकल का काम, शूज का काम, बैग्स का काम, लेडीज बैग, लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट, यार आप कुछ भी उठाएंगे बहुत कारोबार है। अपने लिंक्स बना के आए पाकिस्तान में, यूएई में, सऊदीया में, जहां जहां से भी आप लोग आ रहे हो, मतलब मेरे पास पूरी दुनिया से आप दोस्त आ रहे हैं, वहां कोशिश करें कि आप अपने लिंक्स क्रिएट करके आए, ताकि जब आप यहाँ आए और अगर आपको यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आए, आप कारोबार की तरफ जाओ। जरूर 2,500 3,000 4,000 वाली नौकरी करनी है, झक जरूर मारनी है, कारोबार की तरफ जाएं। और आई विश, आई स्ट्रांगली विश कि आप सब लोग कामयाब हो। मतलब हम मुसलमान हैं, हर बंदे का रिस्क लिखा हुआ है, सो मुझे कोई आपसे खतरा नहीं है, आपको मेरे से कोई खतरा नहीं है, आप आएंगे, हर बंदे की दौड़ अपनी है कि आपने किस फील्ड में सेटल होना है, किस कारोबार को आप अच्छा करेंगे। यहाँ बहुत से दोस्त बड़े कामयाब हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले चंद दिनों में इनमें से कुछ दोस्तों का इंटरव्यू करूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो, अगर उन्हें ये ना लगे कि जी यार किसी और ने काम शुरू किया तो साढ़ा रोजी बंद हो जाएगी, ये एक सिक मेंटेलिटी हम एशियंस की है। लेकिन आई विल ट्राई कि अगर कुछ दोस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उसकी वजह से कुछ और लोगों को भी फायदा हो सके। इस ब्लॉग का मकसद था आप लोगों को थोड़ा वार्न करना क्वारंटाइन के ऊपर। यार मैं मंजन नहीं मेरे से बेचा जाता, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि क्वारंटाइन करेंगे आप, और पेड क्वारंटाइन है, कोई हल नहीं है। आप वहाँ पेड पेमेंट दे के आएंगे तो अच्छे होटल तरीके से 7-8 दिन होटल में रहें, और अपने लिए जो भी आपने घर देखना है करना है, जिससे भी आप अटैच हो से बोलो यार हमें पिक्चर्स भेजिए या जगह बताए। अब घर अपना ऑलरेडी एक टारगेट एरिया कर लिया होगा आपने, उसको करें। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा वेल जनाब, ये करंट सिचुएशन थी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल थोड़ा कोशिश की है कि अपने तई एक बिल्कुल ट्रू पिक्चर शेयर कर दूं आप दोस्तों के साथ। फायदा भी आपका अपना है, नुकसान भी आपका अपना है। ना तो कोई यहाँ पे आपको पैसे दे के पालेगा,
और ना आप किसी को यहाँ आके पाल सकते हैं पैसा देके। अल्लाह आप सबके लिए आसानी वाला मामला करें, कोशिश करें कि एक प्री प्लान, एक प्रॉपर एक प्लान बना के यहाँ पे आएं, ताकि यहाँ से यहाँ आने के बाद आपको वापस जाना ना तो मुश्किल हो और ना यहाँ सेटलमेंट करनी मुश्किल हो। अगर आप सेटल हो जाएं बिस्मिल्लाह, और ना हो पाएं तो कम अज़ कम आपके पास बैक एंड प्लान, बैकअप प्लान लाजमी हो। दुआओं में याद रखें। जज़ाकअल्लाह।